जदयू आपके आदमी नामों में मीटिंग कर रही है और हाल में दिन में बाद में जिला स्तर जदयू के कार्यकर्ताओं को भाषण और लोगों को भी कहा कि भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है मुंगेर पक्ष। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी जदयू पर भारी पड़ेगा। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आशीर्वाद लेकर के अगर जो मुंगेर लोकसभा में किसी भी विधानसभा का एक बूथ अध्यक्ष को अगर जो प्रधानमंत्री महोदय आशीर्वाद दे देंगे, अपना टिकट दे देंगे, वो जदयू के उम्मीदवार पे भारी पड़ेगा, जो भी रहे जदयू का उम्मीदवार। इस पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी तैयारी सब पार्टी लगभग स्टार्ट कर दी है, क्या लगता है आपको मोकामा में क्या स्थिति रहेगी? मोकामा के बाद छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी 460 पर सीट पर जीत के आएगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अभी पूरा विश्व नेता मान रहा है और जब विश्व नेता मान रहा था उनका ये बिहार और भारत की बात, तो आप सोच सकते हैं कि उनके द्वारा कितने योजना चलाए जा रहे हैं गरीबों के लिए कल्याण करने के लिए। तो इसलिए मैंने अगर जो विरोधी बोलता है कि कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो समय आने पर उनको जरूर जवाब मिलेगा। भाजपा करे कि मोकामा लोकसभा में बूथ अध्यक्ष भी भारी पड़ेगा अगर टिकट मिल गया तो? देखिए अब बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने के तो कोई लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की आवाज़ को कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक हम लोग बचपन में एक फ्रेज मुहावरा पढ़े थे कि होरहार बिरवान के होत चिकने पात, जो जैसा रहता है वो बच्चे से झलकता है उसका संस्कार। तब भाजपा के जो कार्यकर्ता है उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बच्चे से वो झूठ बोलने की संस्कार डाले हैं, बड़ बोलेपन की संस्कार डाले हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम दे देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहे थे कि हर गरीब के खातों में 15 लाख रुपया जीतने के बाद जाएगा। एगो गरीब बताए कि इसके खाते में 15 लाख रुपया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आज 9 साल हो गया 18 करोड़ युवाओं को नौकरी होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी बताए, भाजपा कार्यकर्ता बताए कि कितने युवाओं को नौकरी मिला। नरेंद्र मोदी जी कहे थे गांधी मैदान में जो विस्फोट हुआ, मरा था लोग, हम उस मृतक को नौकरी देंगे। बिहार के हैं लोग, क्या उस मृतक को नौकरी मिला? आप जाके पता कीजिए। तो भाजपा ने यही संस्कार डाला अपने कार्यकर्ताओं के, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। हमारे नेता कहते हैं कि हमारे नेता ही हैं। अरे अगर किसी को विदेश ने अगर सम्मानित किया तो नीतीश कुमार का सौभाग्य है कि उसको क्लाइमेट नेता का उपाधि मिला विदेशों में, ये किसी भी भारत के नेता का नसीब नहीं हुआ। इसलिए क्या कीजिएगा, तो चुनाव बताएगा, आने दीजिए समय। समय आ रहा है, कितने पानी में उनको समझ में आ जाएगा कि हम कितने। अभी तो इसके पहले उपचुनाव में उनको समझ में आया है थोड़ा सा, अभी और समझ में आया, समझिए ना।